नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। धार्मिक मान्यताओं में आषाढ़ अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आपको बता दें कि इस साल जो आषाढ़ अमावस्या है वो कुछ लोगों का कहना है कि 28 जून को भी है और कुछ लोगों का कहना है कि 29 जून को भी है। तो आज के वीडियो में हम आपको आषाढ़ अमावस्या का पूरा विधि विधान और उपाय सब कुछ इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी हम मौजूद हैं मंदिर में और यहाँ के पंडित जी से जानेंगे आषाढ़ अमावस्या के बारे में और इस साल 2022 में किस दिन आषाढ़ अमावस्या बनाया जा रहा है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ मंदिर के पंडित जी जुड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के बारे में। सो पंडित जी, हमें ये बताइए कि आषाढ़ अमावस्या किस दिन मनाया जा रहा है इस साल 2022 में? जी, इस बार जो आषाढ़ की अमावस्या है वह 29 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि कल लगभग सवेरे 5:51 से प्रारंभ हो गई है और परसों 29 तारीख को लगभग 8:30 तक रहेगी। तो विशेष करके अमावस्या जो होती है वो पितरों के लिए अच्छी मानी गई है। तो अमावस्या में तो हम लोग स्नान करते हैं, स्नान और दान का पुण्य उस समय होता है जब भगवान सूर्य उदय होते हैं। तो उदयकालीन में ही अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। तो परसों 29 तारीख को ही इसका अधिक महत्व बताया जाएगा और वैसे कल सवेरे 5:51 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो पंडित जी के मुताबिक जो आषाढ़ अमावस्या है वो 29 जून को ही मनाया जा रहा है। तो पंडित जी, ये बताइए कि आषाढ़ अमावस्या के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, विशेष करके अमावस्या तो पितरों के लिए ही होती है। तो पितृ दोष से अगर यदि किसी के घर में पितृ दोष है तो पितृ दोष की मुक्ति के लिए आषाढ़ अमावस्या पर आप लोग ब्राह्मणों को भोजन दान आदि और पितरों के निमित्त तर्पण करना, जैसे बहुत सारे अधोगति के पितर होते हैं उनकी मुक्ति के लिए नारायण बलि आदि करनी होती है। तो ये शुभ कर्म अगर अपने पितरों के लिए अगर कोई अमावस्या पर करता है, और विशेष करके आषाढ़ की अमावस्या तो बहुत ही श्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि ये आषाढ़ का महीना ग्रीष्मकालीन महीना है, इसमें बहुत गर्मी होती है। तो इस टाइम पर तर्पण आदि करना, जल दान करना और पितरों के लिए भोजन आदि दान करना बहुत ही श्रेष्ठ कर बताया गया है। तो जैसे कि आपने बोला कि दान करना, तो दान में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या दान करना चाहिए? दान देखो, सर्वश्रेष्ठ तो अन्नदान ही है, है ना। अन्नदान से बढ़कर के कोई दूसरा दान नहीं है। तो अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। जलदान, इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो इस समय जलदान भी बहुत श्रेष्ठ कर होता है। और बाकी आदमी की श्रद्धा और आदमी के वित्त के अनुसार होता है। देखो, श्रद्धा तो आदमी की वैसे बहुत कुछ होती है, लेकिन अगर उसके पास अपने पास कुछ नहीं है तो क्या करेगा। तो इसलिए वित्त मतलब जो हमारी कमाई है उसके अनुसार जो भी दान करता है वो श्रेष्ठ कर दान होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन से भगवान का मतलब पूजा किया जाता है? जी, भगवान विष्णु नारायण जी का इस महीने विशेष करके पूजन किया जाता है। और भगवान नारायण ही जो है पितरों को मुक्ति देने वाले भी हैं और हमारे भी आराध्य हैं। आप थोड़ा पूजा विधि के बारे में बताइए, किस तरह से पूजा मतलब की जाती है? देखो, भगवान नारायण की पूजन विशेष करके शालिग्राम भगवान की पूजा श्रेष्ठ कर बताई गई है। तो पत्र पुष्प जो भी भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम तो फलम तोयम यो मे भक्ति अपेक्षति, भक्ति भाव से जो भी आदमी अर्पण करता है उसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तो पूजन बड़ा सरल है भगवान का, जल पुष्प आदि से जो भी आप करना चाहते हैं उससे भगवान का पूजन कर लो। इसके लिए कोई बड़ी विधि तो कोई विशेष जब पूजन करना हो तो तब ब्राह्मणों से ही करवाना चाहिए, लेकिन अगर स्वयं कर रहा हो तो तब अपनी श्रद्धा के अनुसार जल फल आदि से भगवान को चढ़ा देना चाहिए। तो जैसे कि हमें अभी पंडित जी ने बताया कि आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय करने से हमारे जो जीवन में जो पितृ दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको आषाढ़ अमावस्या की सारी जानकारी मिल गई होगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ रिपोर्टर लाइव में। धन्यवाद।